आते हैं, उनके हितों की भी। संजय सिंह जी, एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है कि अब जो है दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं और प्राइवेट अस्पताल हैं वहां दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा। लेकिन ऐसे में जब कोरोना का कोई गंभीर पेशेंट मिलता है या कोई आपातकाल की कोई स्थिति बनती है, क्या उसके बारे में भी सोचा गया है? ऐसे हालात में क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो पूरा निर्णय लिया गया है, ये दिल्ली के 7.5 लाख लोगों में से 90% लोगों की जो राय थी उसके आधार पर लिया गया है, और 5 डॉक्टर्स की एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर सबके लिए हॉस्पिटल्स खोल दिए जाएंगे दिल्ली के तो उसमें सारे बेड भर जाएंगे 3 दिन के अंदर, उसके आधार पर लिया गया है। जहाँ तक बाहर से जो हमारे पेशेंट्स आने वाले हैं वो कोरोना से रिलेटेड हों, दूसरे मर्ज से रिलेटेड हों, उनके लिए 10,000 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के बेड हैं उसको ओपन रखा गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो स्पेशल सर्जरी है, कैंसर का है, लीवर का है, किडनी का है, जो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये स्पेशल सर्जरी होती है और कहीं दूसरी जगह उसका इंतजाम नहीं है, उनके लिए भी हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे, उसमें भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं, अन्य राज्यों के ही लोग यहाँ रहते हैं, और उनके स्वास्थ्य की चिंता करना एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, और उन्होंने ये निर्णय पूरा एक सारी रिपोर्ट के आधार पर, लोगों की राय के आधार पर, एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर लिया है। और ये मुझे लगता है कि एक जेन्यून, एक सही और जनता के हित में लिया गया निर्णय। राधिका खेड़ा, आपको क्या लगता है? जी, केजरीवाल जी की सरकार को दो लाइनों में हम बता सकते हैं, बातों में शेर, काम में ढेर। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं केजरीवाल जी, प्रेस वार्ता में आके बोलते हैं दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहा हूँ, कि जब 13 मार्च को WHO ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया और दिल्ली सरकार 3 जून को कमिटी बनाती है जिसमें ये बात की जाती है कि आगे लड़ाई कैसी लड़ी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या किया जाए, 3 महीने ऑलमोस्ट उनको लग जाते हैं कमिटी का गठन करने में। वो बात करते हैं कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल के बेड्स हैं, हॉस्पिटल लोगों को, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए इलाज करेंगे, केंद्र सरकार के पूरे देश के करेंगे। दिल्ली में 36 का हॉस्पिटल ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 अस्पताल ऐसे थे जो 2 जून तक लोगों को कोविड केसेस को एडमिट कर रहे थे। जब हाहाकार मची, लोगों ने सवाल उठाए बात बात पे, चाहे वो सोशल मीडिया, और कई बार तो संजय सिंह जी आपको भी कई लोगों ने टैग किया, और दिन में कम से कम 100 लोग टैग करते हैं कि हमारी एडमिशन नहीं हो रही। फिर हाहाकार के बाद आप लोगों ने उसकी संख्या, 5 ऐसे अस्पताल हुए, 36 में से 5 सिर्फ केंद्र दिल्ली सरकार के ऐसे अस्पताल है जहां पे पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है। लेकिन जो केंद्र सरकार है, चाहे एम्स हो, चाहे लेडी हार्ट हॉस्पिटल हो, हर जगह कोविड पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है। फिर मैं आपको ये भी याद दिलाऊंगी, केजरीवाल जी ने अब बड़ी बड़ी बातें करते समय लॉकडाउन 1 के समय एक प्रेस वार्ता करी थी जिसमें कहा था अगर 30,000 एक्टिव पेशेंट्स होते हैं, वो नहीं जो इलाज करके वापस चले गए, उनके एग्जैक्ट शब्द में बोल रही हूँ, 30,000 एक्टिव पेशेंट्स होते हैं तो हमारे पास ऐसे इंतजाम है कि हम उनका इलाज कर सके। आज आपके पास 15,000 से कम एक्टिव पेशेंट्स है, कुछ ऐसे है जिसमें से करीबन 3,500 के आसपास है जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है, बाकी सारे शायद होम क्वारंटीन के लिए। 36 में से सिर्फ 5 अस्पताल हाहाकार के बाद वो भी जो है कोरोना के लिए खोले गए हैं, तो वो तमाम सवाल कांग्रेस उठाती हुई, राधिका खेड़ा उठाती हुई नजर आ रही है, उसका जवाब। देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक ऐसी महामारी है, एक ऐसा संकट का वक्त है जिसमें सहयोगात्मक रवैया सबको अपनाना चाहिए और सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज़ का आह्वान किया और हमने पूरे समय, आपने देखा होगा, कोई राजनीति नहीं की, आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, हमने अपना काम किया। काम क्या किया वो आपको बता देता हूँ। जो 30,000 बेड की बार बार बात कही जा रही है, वो अलग अलग फेज में हम 30,000 बेड का इंतजाम करेंगे। अभी हमने होटल्स को, बैंक्वेट हॉल्स को हॉस्पिटल में तब्दील करने का अभियान एक बना रखा और आने वाले दिनों में उसकी भी जल्दी ही घोषणा करेंगे। आज की तारीख में जो 10,000 बेड हमारे पास हैं, उसमें से 9,000 बेड जो हमारे पास हैं, उसमें 4,000 बेड अभी भी खाली हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल के हैं, वो सरकारी अस्पतालों के हैं। और राजीव बब्बर को भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। राजीव जी, आपको ये फैसला कैसा लग रहा है दिल्ली सरकार का? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो स्थिति, जैसे संजय भाई ने कहा कि सबको मिलकर लड़ना चाहिए, संजय जी, और पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने
आपको ध्यान होगा कि फीड द नीडी प्रोग्राम चलाकर 1 करोड़ से ज्यादा जो है फूड पैकेट और 31 लाख से ज्यादा राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि मन में यही था कि सरकार के साथ मिलकर हमको काम करना है और कोविड के खिलाफ लड़ना है। लेकिन लगातार दिल्ली सरकार आज का भी जो फैसला है, ये जो मुख्य मुद्दे हैं, जो इनका फेलियर है, उसको छुपाने के लिए कहानी गई जा रही है। आप देखिए, आप पुराने अपने इंटरव्यू निकालिए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा टीवी चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं 30,000 बेड लेकर तैयार हूं, मेरे पास सारी तैयारी है। और उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। आप पिछले कई दिनों से पूरी की पूरे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे सिस्टम को खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मिलकर चलना है, मैं ये पहला जनरल देख रहा हूं जो अपनी सेना को डिमोरलाइज कर रहा है और उसके बाद कह रहा है कि हम जंग जीतेंगे। तो ये जो आज का भी जो फैसला है, ये सिर्फ मीडिया की अटेंशन और मेन मुद्दा, जहां लोगों को जगह नहीं मिल रही, जहां लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। आप देखिए, आप इतने तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि आपने कह दिया कि 117 हॉस्पिटल में 20% बेड जो है वो कोविड को दे दीजिए बिना जाने। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली कह रही है, बिना जाने कि आप कॉमन एरिया में पूरे के पूरे लोगों को रिस्क पे डाल रहे हैं। तो आप पहले गलत फैसले करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हम ये कर रहे हैं। मुझे लगता है संजय भाई ने जो कहा है उसको स्पिरिट में लाते हुए हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी आपके साथ चलने को। कोविड से हमको लड़ना है सबको मिलकर, लेकिन राजनीति छोड़ दीजिए आप और काम कीजिए। आज ढाई महीने से सुनिए, ढाई महीने से एक जगह केजरीवाल नहीं निकले, डॉक्टर हर्षवर्धन सब जगह घूमते दिखते हैं। ठीक है, तो ये कहानियां छोड़िए, काम कीजिए, ये मेरी विनती है आपसे। देखिए राजीव जी को मैं पहले बता दूं कि व्यक्तिगत बातें करने का तो कोई अर्थ है नहीं, लेकिन केजरीवाल जी सचिवालय में भी जाके मीटिंग किए, हॉस्पिटल्स में, और ये जो एलजी साहब के साथ लगातार उनकी मीटिंग्स होती रही हैं। तो अब उसके डिटेल में हम नहीं जाते कि कब कहाँ वो निकले और कब कहाँ वो उन्होंने मीटिंग की। एक बात राजीव जी ने कहा कि आज दिल्ली का सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आज दिल्ली के सिस्टम को आप दिल्ली के एक नेता होकर अगर इस तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे, वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। अगर आप दूसरे राज्यों से दिल्ली की तुलना करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक डाटा है, प्रति मिलियन लोगों की मौत का जो आंकड़ा है उसमें अहमदाबाद 118, मुंबई 83, पुणे 55, दिल्ली 32, 3 गुना प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर जो है वो 3 गुना हमारी कम है, और गुजरात का मॉडल जिस पे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी दावा ठोकती है वो 3 गुना हमसे ज्यादा है। ठीक है, डेथ रेट में गुजरात 6.9 है, हम 2.6 है। ये चिकित्सा की सच्चाई है, हालत की जो हम लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से गिनवाया जीवन बचाने में कामयाब है। इस सच्चाई से संजय भैया, इस सच्चाई से वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। क्या मैं बोल सकती? इसलिए डेथ रेट की बात मत कीजिए संजय जी, वो डिबेटेबल हो गया है, क्योंकि आप देखिए हाईकोर्ट जो है वो राजीव जी, हाईकोर्ट का ऑर्डर भी अगर आप लोग नहीं मानना चाहते तो मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। मैं आप सभी को फिलहाल यहाँ पर रोक रही हूँ वक्त की कमी होने के कारण, लेकिन यहाँ पर इस तथ्य को भी कोई झुठला नहीं सकता कि अगर 27,000 बेड की यहाँ पर व्यवस्था की गई है तो जरूरत 42,000 बेड की है, यानी क्षमता को अभी और बढ़ाना है, उसी दिशा में काम करने की जरूरत सभी को है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।